हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में जो आउटर मोस्ट होल होता है उसे कैलिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारा कोरोला होता है जिसके अंदर कलरफुल पेटल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा एंड्रोशियम आता है, एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव होल। और लास्ट और इनर मोस्ट होल होता है हमारा गायनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव होल। तो इस तरह फ्लावर के अंदर फोर होल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें से जो हमारे अंदर वाले दो होल है एंड्रोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव होल एंड गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव होल, ये दोनों एसेंशियल होल्स होते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, रिप्रोडक्टिव होल है। और जो बाहर वाले दो होल हैं कैलेक्स एंड करोला, ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो ये होल हमारे एसेसरी होल। तो अब हम फ्लावर से जुड़े कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, ये टर्म आगे हम फैमिलीज पढ़ेंगे तो वहां हमें यूज आएंगे, तो बार बार हम इनकी डिटेल्स नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए आज हम इन टर्म्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कम्प्लीट फ्लावर की तरफ। तो ऐसा फ्लावर जिसके अंदर चारों होल्स प्रेजेंट हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, उसे हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनकम्प्लीट फ्लावर। तो ऐसा फ्लावर जिसके अंदर एक भी होल एब्सेंट है तो उसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। कुछ फ्लावर के अंदर कैलेक्स और कोरोला की जगह एक स्पेशल होल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं पेरियन, और इसकी जो सिंगल यूनिट होती है उसे हम कहते हैं टेपल, एंड ये टेपल से मिलकर बनते हैं हमारे पेरियन। और ऐसे फ्लावर जिनके अंदर पेरियन प्रेजेंट होते हैं तो उसके अंदर कितने होल होंगे, थ्री होल होंगे, तो ऐसा फ्लावर भी क्या होगा, इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी बाइसेक्सुअल फ्लावर की। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव होल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एंड्रोशियम भी प्रेजेंट होता है और गायनोशियम भी प्रेजेंट होता है, तो ऐसे फ्लावर कहलाते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसके बाद इसी बेसिस पर सेकेंड डिवीजन है फ्लावर का यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर जिनके अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव होल प्रेजेंट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव होल प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इन फ्लावर्स को अगेन हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं, स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट। तो नाम से दिख रहा है ऐसा फ्लावर जिसके अंदर केवल एंड्रोशियम प्रेजेंट है मेल रिप्रोडक्टिव होल, उसे हम कहेंगे स्टेमिनेट। और जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव होल प्रेजेंट है यानी गायनोशियम, उसे हम कहेंगे पिस्टिलेट। तो इस तरीके से रिप्रोडक्टिव होल की प्रेजेंस के बेस पर फ्लावर दो टाइप के हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है, इसमें हमारे दो तरह के हम जो प्लांट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, मोनोशियस प्लांट एंड डायोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट वो होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों टाइप के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, यानी एक प्लांट है उस प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर भी होंगे और फीमेल फ्लावर भी होंगे, तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं मोनोशियस प्लांट। इसका एग्जांपल हमारा कोकोनट है। सेकेंड कैटेगरी है हमारे डायोशियस प्लांट की। डायोशियस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें प्लांट के ऊपर या तो मेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे या केवल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे, यानी कि एक मेल प्लांट होगा और दूसरा फीमेल प्लांट होगा। तो इसकी कैटेगरी हमारी पपाया है। पपाया में कुछ प्लांट मेल होते हैं और कुछ फीमेल होते हैं, यानी कि एक प्लांट के ऊपर केवल मेल फ्लावर ही होंगे और दूसरे प्लांट के ऊपर केवल फीमेल फ्लावर ही होंगे, तो ऐसे प्लांट कहलाते हैं हमारे डायोशियस प्लांट। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट वो होते हैं जिनमें प्लांट के पूरे लाइफ टाइम में केवल एक ही बार फ्लावर आते हैं, और फ्लावर आते हैं फ्रूट जो भी बनता है और उसके बाद जो प्लांट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ऐसे प्लांट कहलाते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। तो जो हमारी क्रॉप्स होती हैं जैसे राइस है, मेज है, तो ये सीजनल होती हैं, यानी एक सीजन है इनका पूरा हुआ फिर उसके बाद नेक्स्ट सीजन में दूसरी फसल उगाई जाएगी। तो
ऐसे ये जो फसल होती है, राइस है, कैरेट है, तो इनके अंदर केवल इनके पूरे लाइफ टाइम के अंदर केवल एक ही बार फ्लावर आते हैं, प्लांट के ऊपर दूसरी बार फ्लावर नहीं आते हैं। तो ऐसे प्लांट मोनोकार्पिक, यानी कि एक पूरे लाइफ टाइम में केवल एक ही बार फ्लावर आए प्लांट के ऊपर। दूसरी है इसी की टाइप बाइकार्पिक प्लांट। तो ऐसे प्लांट जिनमें ईयर आफ्टर ईयर फ्लावर आते हैं तो उन्हें हम कहते हैं बाइकार्पिक प्लांट। तो ये प्लांट पेरिनियल होते हैं, पेरिनियल यानी कि बहुवर्षीय होते हैं, तो इनमें साल दर साल फ्लावर आते हैं। और जो हमारे फ्रूट ट्री होते हैं लाइक ऑरेंज है, मैंगो है, वो हमारे बाइकार्पिक प्लांट का एग्जांपल है। इसके अलावा फ्लावर को हम सिमेट्री के बेस पर भी डिवाइड कर सकते हैं टाइप्स में। तो ऐसे फ्लावर जिनके अंदर अगर हम उसे किसी भी प्लेन से काटें तो वो टू इक्वल हाफ्स में के अंदर डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, यानी कि इनकी जो सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री, त्रिज्या सममित फ्लावर। हम फ्लावर को किसी भी प्लेन से काटेंगे तो वो क्या होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। इसका एग्जांपल है हमारा लिली। इसके बाद आते हैं हमारे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं उनमें फ्लावर को केवल हम एक ही प्लेन से काट सकते हैं, एक प्लेन से काटने पर ही वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, और इसके अलावा वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक प्लांट, और इसका एग्जांपल हमारी स्वीट पी है। तो इस तरह से हमने देखा फ्लावर का क्लासिफिकेशन होल की प्रेजेंस के ऊपर, अब हमारे रिप्रोडक्टिव होल की प्रेजेंस के आधार पर, फिर यहाँ पर ये प्लांट का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। यहाँ हमारे फ्लावर का कितनी बार फ्लावरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग, कितनी बार फ्लावरिंग हो रही है उसके आधार पर हमने प्लांट्स को दो टाइप में डिवाइड करा, और यहाँ पर हमने फ्लावर को अगेन डिवाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। तो ये हमारे यहाँ डिवाइड करे हैं। और इसके अलावा हम जो फ्लावर हैं उन्हें ओवरी की पोजीशन के बेस पर भी डिवाइड कर देते हैं, हाइपोगेनेथस, पेरीगेनेथस, एपिगेनेथस। तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि फ्लावर को किस तरह हम ओवरी की पोजीशन के आधार पर डिवाइड करते हैं। तो आपको ये टर्म्स समझ आ गए होंगे, टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो थैंक यू।